पास इसने मौत की घटना को काफी नजदीक से देखा है या मैं यूं कहूं कि महसूस किया है। आइए पूरी जानकारी जानते हैं, घटना कहां की है और किस तरह से ये घटी थी, बताइए क्या क्या हुआ था उसे। देखिए सर, हम बाहर जो घटना घटी जोर से थोड़ा बोलिए आवाज लाओ। बाहर जो घटना घटी वो हमको नहीं पता, हम इसमें सोए हुए थे, ठीक है, और अचानक एक फायरिंग हुई जिसमें हम मुझे लगा कि बॉल विस्फोट किया हो और दूसरा किया, और मेरे साथ एक और आदमी थे और उस तरह हम उनको बोले कि भागिए और उस साइड भागे कौन में। कितने बजे की घटना है, लगभग कितने? लगभग 12:30 की। 12:30 की घटना है, तो आवाज बाहर से आई, यहाँ गोलियों के निशान दिख रहे हैं जी, यही निशान है, ये गोलियों के निशान जी। अच्छा, तो जब गोली चली तो कितने लोग उसमें हताहत हुए? हताहत कितने लोग मारे गए? दो लोग के स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई जी। क्या क्या नाम था उनका? उनको कपिल देव और राजकिशोर शर्मा। कपिल देव राय और राजकिशोर शर्मा, ये दो हत्याएं आजकल चंपारण में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और ये मधुबन के अंतर्गत की घटना है। आगे बताइए किस तरह से ये घटना घटी, उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया? और मैंने खोलने जा रहा था गेट और मेरे पास जो आदमी थे मेरे साथ वो बोले कि अभी नहीं गेट खोलने के लिए, मतलब लगातार बाहर से फायरिंग हो रही थी। हाँ, दो मतलब, और सरकार पीछे से भी फायरिंग हो रही थी और सामने से भी फायरिंग हो रही थी, चारों ओर से मतलब घेर लिया गया था जी, घेर लिया गया था। और मात्र 2 मिनट का टाइम दिया था। 2 मिनट का टाइम किस लिए दिया था मेरे को पता नहीं, मतलब 2 मिनट में आया। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का अर्थ है कि उन्होंने 2 मिनट में ही सारी कहानी को जो है रच दिया यहाँ पर और दो लोग इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ये हम देख सकते हैं कि प्रशासन, राजनीति या इसे क्या कहें, कह पाना कठिन है, लेकिन इतना समझ पाना आसान है कि आदमी की जान काफ़ी सस्ती हो गई है और इससे सस्ता क्या हो सकता है कि 2 मिनट में 2 लोगों के प्राण पखेरों को उड़ाने के लिए यहाँ के लोग सक्षम हैं। मैं अभिनव, ANN24।